वाचक और सबक रहने का अनुरोध करते हैं। क्या जाने किसकी जिंदगी किस मुकाम पर आकर क्या मोड़ लेगी। हमेशा परिस्थितियां वास्तविकता से भिन्न होती है, जिसमें अपने पराये होते हैं और जो अपने होते हैं वे भी कब पराये हो जाते हैं यह न आप जान पाते हैं और न हम जान पाते हैं। कुछ ऐसी ही आपके बीच में घटी वास्तविक घटनाओं को लेके हम आपको सजग और सबक रहने को कहते हैं। एक हंसता खेलता परिवार टिंके की तरह बिखर जाता है, जिससे चलती ही खुशियों का माहौल कब मातम में बदल जाता है। कहानी आप ही के बीच की है। आम दिनों की तरह यह भी आम दिन था, लेकिन कुछ ऐसे पल इस दिन में आए कि वह दिन इस परिवार को भूले न भुलाए बनेगा। जहां रास्ता न जाता है उसी रास्ते पर चलने का अंजाम काफी तकलीफ देह होगा। सजग रहे और सबब रहे। सुबह का समय था। कुमार परिवार अपने रोजमर्रा की दिनचर्या में व्यस्त था। कल्पना रूपांतरित नाम अपने बच्चों को स्कूल की तैयारी में व्यस्त थी। अनिल रूपांतरित नाम अपने ऑफिस के जाने की तैयारी में था। बच्चे की तैयारी करके माँ ने बच्चों को स्कूल बस के स्टैंड पर छोड़ने के लिए गई। बच्चा स्कूल गया, माँ घर लौट आई, पिता ऑफिस जाने के लिए निकल पड़े। दिन बाकी दिनों की तरह दिन था। माँ घर पहुंचकर अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त हो गई। लगभग बच्चे के स्कूल की छुट्टी 3 बजे हो गई, लेकिन स्कूल बस खराब होने की वजह से सारे स्कूल के बच्चे हाईवे से गुजरने वाले कारों को लिप मांगकर घर जाने के लिए जद्दोजहद में लगे थे। कपिल ने जैसे ही सामने आते एक कार को हाथ दिखाया तो अचानक एक बड़ी सी कार कपिल के सामने आके रुकी। एक लगभग 35 से 38 वर्ष आयु का व्यक्ति वह कार चला रहा था। गाड़ी रुकते ही कपिल गाड़ी की ओर दौड़ पड़ा, गाड़ी का दरवाजा खोला और गाड़ी में बैठकर अंकल को बोला, सामने 20 किलोमीटर पर गांव है। अंकल ने कहा, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, और गाड़ी चल पड़ी। कपिल और अंकल के बीच में औपचारिक बातों का सिलसिला कब हंसी मजाक पर पहुंच गया। दोनों बातों में इतने घुल मिल गए कि घर कब आया उनको पता न चला। घर के सामने गाड़ी खड़े होते ही कपिल ने अंकल को घर में चलने की जिद की। अंकल बेबस होकर कपिल के अनुरोध पर घर में चलने को तैयार हो गए। घर पर कपिल की माँ दरवाजे पर कपिल की राह देख रही थी। कपिल ने बड़े लगभगता से स्कूल का सारा हादसा माँ को बताया। माँ ने भी उत्सुकतावश घर में आए व्यक्ति की चाय की प्याली बनती है कहकर चाय बनाने घर के अंदर चली गई। कपिल अपने द्वारा बनाए पेंटिंग्स दिखाने लगा। अपने बच्चों को एक अजनबी इंसान के साथ घुल मिल देखता माँ भी बड़ी खुश हुई, क्योंकि कपिल अपने पिता से खुल कर नहीं मिला। यह देख माँ भी खुश हुई। चाय के प्याले के साथ बातों का सिलसिला चल पड़ा। जान पहचान बढ़ी और जान पहचान आगे चलकर कपिल और कपिल की माँ कल्पना घूमने फिरने लगी। अंकल भी अकेले जिंदगी में माँ और बेटों के साथ खुश थे। आगे चलकर अंकल और कपिल की माँ कल्पना इनमें प्यार का सिलसिला शुरू हुआ। इन सब बातों से कपिल के पिता अनिल अनजान थे। जब अंकल और कल्पना कपिल की माँ इनका प्यार परवाना चढ़ रहा था, तो एक दिन अनिल के कानों पर कपिल की माँ की प्रेम कहानी दबी जबान में आस पड़ोस में सुनाई मिली, जिसके चलते अनिल ने कल्पना को खूब खरी खोटी सुनाई और सुधरने की नसीहत दी। लेकिन प्यार तो अंधा होता है, वे थोड़ी मानने वाले थे। कपिल की माँ ने अपने पति को रास्ते से साफ करने के लिए एक सोची समझी तरकीब लगाई, जिसमें घर पर ही कपिल के माँ ने खाने में जहर देकर मार दिया। अचानक हुई मौत की आस पड़ोस में चर्चा का विषय बन गया। पुलिस
तप्तीश में जुटी, तब कल्पना का सच बहुत जल्द सामने आया। अपने प्यार को पाने के लिए कल्पना ने अपने पति को जहर देकर मार दिया। कपिल की यह लिफ्ट मांगने की गलती घर को बर्बाद कर दी। यह 10 की 10 तक आपकी भी हो सकती है, इसलिए सजग रहे, सबक रहे। फिलहाल वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ लाइव के साथ।